स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी सर में। दोस्तों आप लोगों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऐसा बच्चे मानते हैं। बट मैं जहां तक आपको बताना चाहूंगा कि ये आपकी बुक का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स और कुछ मेथडोलॉजी को यूज करते हुए आप इस चैप्टर को बहुत सिंपलेस्ट बना सकते हो। और इस पूरी सीरीज में आपको मैं 8th चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को विद एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूं और करवाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ आपको, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली यहां पर आपको तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की बात हो रही है। साइन गिवन है और कॉस और टेन निकालना है। एक्चुअली जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालना होता है तो वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूला जो कि एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हो आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक्चुअली यह एक ट्रिक है, इसका मीन्स ये होता है और आगे आपको यदि लर्न रखना हो तो इस तरह से लग सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। जी दोस्तों थोड़ी सी फनी ट्रिक है। एक्चुअल में ये जो पी अपॉन एच है आपका, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि साइन के लिए होता है। एस स्टैंड फॉर साइन, साइन के लिए एस लिए होता है। सेम एज इट इज बी अपॉन एच कॉस को रिप्रेजेंट करता है और पी अपॉन बी जो है वो टेन को रिप्रेजेंट करता है, टी स्टैंड फॉर द टेन थीटा। इस तरह से हमारे तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल जाते हैं और इन्हीं के तीनों को रेसिप्रोकल कर आप आगे के फर्दर तीन रेशियोज को भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अपन फर्दर क्वेश्चन में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं साइन कॉस एंड टेन हम लोगों ने निकाल लिया है। अब साइन कॉस टेन निकालने के बाद दोस्तों आपको साइन गिवन है। एक्चुअली ये साइन जो ए दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक ट्रायंगल डिजाइन करना होगा। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा चैप्टर बेस्ड होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन ए दैट मीन्स थीटा कहाँ पर है, ए पर है। तो थीटा ए पर है, दैट मीन्स ए पर आपको यहाँ पर थीटा प्लेस करना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साइन ए ए पर थीटा है तो आपको एबीसी यदि ट्रायंगल ले रहे हो आप तो एबीसी का जो ए नोड है उस ए नोड पर आपको थीटा रखना होगा। अब चाहे आप बी को यहाँ रख दे और सी को यहाँ रख दे, ए को फिक्स रखना होगा आपको, दैट्स इनफ। आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो गिवन है साइन ए उसको एज इट इज नोट आउट कर लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। जो 90 का थीटा होता है आपका ट्रायंगल का, उसके फ्रंट वाली, दोस्तों 90 के थीटा के फ्रंट वाली जो साइड होती है ट्रायंगल की, एसी साइड दिख रही है आपको यहां पर, वो साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस साइड फिक्स्ड होती है दोस्तों, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है, सेम एज इट इज बची हुई साइड बेस कहलाती है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बची हुई बेस। बस दोस्तों ये तीन जो चीजें होती है, इन तीन चीजों को आपको ट्रायंगल में नोटेट करना होगा, दैट्स इनफ। यही सबसे बड़ा जॉब होता है और इसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न रखना होता है। चलिए शुरू करते फटाफट से। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन जो थीटा होता है उसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ट्रिक के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच होता है। ऑन कंपैरिजन दोस्तों देख पा रहे होंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कंपेयर करें तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 3 हो गया और हाइपोटेन्यूस हमारा 4 हो गया। ठीक है दोस्तों हम लोग नोट कर लेते हैं इसको हमारे क्वेश्चन में, पी वाली जगह पर हम 3 नोट कर लेते हैं और एच वाली जगह पर 4। अब देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पर, यदि हम लोगों को cos a और tan a निकालना है, cos a and tan a निकालना है, that means cos के लिए हमको b और h लगेगा और tan के लिए हमें p और b लगेगा। That is b की जरूरत हमें दोनों ही थीटा में लगने वाली है और b यहाँ पर हमारे पास absent है, b यहाँ पर नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपके पास दो साइड गिवन होती है और तीसरी निकालना होती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लिखना चाहे तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी भी लिख सकते हैं। चलिए क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों क्यों लगा रहे पाइथागोरस थ्योरम, याद रखिएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है तीसरी साइड निकालना है आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h square is equals to p square plus b square। चलिए h square की बात करें हम लोग, तो h हमारा जो है वो ac को represent कर रहा है triangle में, इसलिए h को हम ac लिख देते हैं। p यानी कि bc को represent कर रहा है p हमें, bc का square लिख देते हैं, p का square है, bc का भी square हो जाएगा। b यानी कि ab और ab का square कर दिया, क्यों square कर दिया, क्योंकि base का square था दोस्तों।
आइए वैल्यू पुट कर लीजिए, एसी एसी की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 को पुट कर दिया स्क्वायर लगा दिया, बीसी बीसी यानी कि 3 दिया हुआ है, 3 की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया, प्लस एबी एबी यानी कि अब्सेंटेड। दोस्तों बस यही तो हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। एसी की जगह 4 नोट कर दिया, क्वेश्चन में हमें साइन थीटा दिया था वहां से एच निकाल लिया था हमने। बीसी बीसी हमारे पास क्या है, बीसी हमारे पास 3 है क्योंकि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमारे पास साइन की वैल्यू में से 3 आया था, हमें निकालना एबी था, बेस निकालना था, बेस हमने एबी को एबी रख दिया। 4 का स्क्वायर दोस्तों जानते हो कि 4 4 16 एज इट इज 3 3 9 प्लस एबी स्क्वायर एज इट इज 9 को इधर भेज दीजिए आप माइनस में आ जाएगा, एबी स्क्वायर एज इट इज 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 एबी एज इट इज। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम स्क्वायर की बात करें स्क्वायर यदि इधर से हटेगा और बॉर्डर पार आएगा तो दोस्तों स्क्वायर उधर से हटकर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा एग्जैक्टली। तो रूट 7 इज द वैल्यू ऑफ आवर बेस एबी, एबी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7 आ गई, यहाँ पर भी नोट कर देते हैं हम ट्रेंगल में। दोस्तों फाइनली हमारे पास क्या निकालना है, हमें कॉस निकालना है और टेन निकालना है। कॉस के फॉर्मूले की बात करें तो बी अपॉन एच होता है, टेन के फॉर्मूले की बात करें और पी अपॉन पी होता है, इसको तो बाई बाइट आप कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं cos a जो कि फॉर्मूले वाइज क्या होता है b अपॉन h। चलिए b यानी कि ट्रायंगल में b जो बेस होता है वो ab है और ab यहाँ पुट करना है, h यानी कि ac हाइपोटेनस हो गया हमारा, चलिए ac लिख देते हैं। अब ab की वैल्यू कितनी है रूट 7, ac की वैल्यू कितनी है 4, ये आंसर आ गया आपका। सेकेंडरी हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग यहाँ पर tan की बात करेंगे, tan थीटा या tan a, a पर थीटा रखा हुआ है पहले से हमारा फेस है। फॉर्मूले की बात करें तो p upon b होता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p upon p होता है, p p यानी कि कितना है दोस्तों देखिए आप p p मतलब bc, bc लिख दिया, बेस b यानी कि ab, ab साइड b को रिप्रेजेंट कर रही है, बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, हम b की जगह ab लिख देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, bc की जगह 3 पुट कर दिया और ab की जगह √7 पुट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास cos a की वैल्यू √7 upon 4 आ गई एंड tan a की वैल्यू 3 upon √7 आ गई और यही हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि हमें cos a और tan a निकालना था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। दोस्तों यदि आप इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर चाहते हैं और आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है भले वो कोई से भी बुक से हो, आर्डिशन मास से हो, ओसवाल से हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर और पूछ सकते हैं, आपके लिए वो क्वेश्चन पर वीडियो जरूर से बना दिया जाएगा। थैंक यू।